घर में मैंने कल पूजा किया था तो इसलिए ना थोड़ा सा प्रसाद बचा है, तो फिर सोचा कि मैं बाहर दे के आऊँगी, जो मिस्त्री अंकल जी हैं उन सबको दे के आऊँगी। कल दे नहीं पाई थी तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। लेकिन सबसे पहले मुझे काम करना है अपने घर का, क्योंकि अगर मैंने ये सारे काम नहीं किए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अभी ना मैं कुछ रेसिपी बनाने वाली हूँ, मतलब कुछ ना कुछ बना दूंगी। भूख लगी है, सुबह के 8 बजे हैं और 8 बजे मैं देखो ये सब्जी काटने बैठ गई। आज का ब्लॉग ना किचन से शुरू होता है ना, तो थोड़ा सा यूनिक लग रहा था मुझे। हर रोज़ तो बेड से शुरू होता है, फिर यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ ये समोसा लेके। मुझे ये बहुत पसंद है गाइज, आप लोग बोलोगे कि बार बार कितना खा लेती है रोज़। मुझे चाय के साथ इतना पसंद है ना, मैं कभी बोर नहीं हो सकती और रोज़ ही खा सकती हूँ। और फिर मेरे घर पे बना था रोटी और मैं फिर आ गई प्रिशी को भी प्रसाद देने के लिए, क्योंकि देखो ये फल वाला प्रसाद ना हर कोई भी नहीं खाता है। और कल के दिन ना इतना प्रसाद आया घर में कि हम लोग दूसरे घर का खाते खाते हमारे खुद के घर का खा नहीं पाए। फिर हमने सबको प्रसाद वितरण किया, फिर हम जितना बचा था फिर हम लोगों ने खाया उसको। और अभी जो है कुछ बर्तन है वो मुझे अभी वॉश करना है। देखो काम तो करना ही पड़ेगा, रोज़ का काम है मेरा। बहुत लोग मेरे बहुत कमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छा घर को सजा के रखती हैं। थैंक यू सो मच। देखो माधव अभी तक उठा नहीं है, जस्ट अभी उठेगा, थोड़ी देर में उठ भी गया। देखो ये लल्ला मेरा अभी उठता है 9 बजे, और उठ के ही शैतानी शुरू। फिर मैंने इसका ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है, इसने अपना सारा कपड़ा भिगोया था, तो ये सब जो है मैंने साफ़ कर दिया है उसका। और आज जो मैं बनाने वाली हूँ केला और लौकी की सब्जी। तो केला जो है ना वो कच्चा केला, उसको बहुत चॉप चॉप करके मैंने काटा। आज थोड़ा यूनिक खाएंगे हम, वैसे तो सेम ही होगा लेकिन हम उसको ना चॉप चॉप करके काटने वाले हैं। और इसमें टमाटर भी डालने वाली हूँ, हरा मिर्च भी डाल दिया है, बहुत मज़े का होता है। और ये ना फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ऐसे खाया नहीं है, मतलब ऐसे चॉप करके, क्योंकि जितना भी खाया ना केले का जो गोल गोल होता है वैसा ही कट करके खाया है, ऐसे फ्राई नहीं किया है मैंने कभी। और देखते हैं इस बार कैसा लगता है। लेकिन सच बताऊँ मैं, ये केले वाला भाजी इतना टेस्टी था ना, इतना क्रिस्पी था, आप लोग ज़रूर घर में ट्राई करना। और मैं एकदम जला जला वाला रख रही थी, कि मैंने कहा एकदम थोड़ा जला जला होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं उस भगोने से निकाल के दूसरे भगोने में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा वाला भी वॉश करना है। और मैं जो ये हरा मिर्च है इसको बीच से ना तोड़ दे रही हूँ। और देखो मैं ढूंढ भी रही थी, इसके अंदर बहुत सारा मिर्च था, और ये सारा कच्चा मिर्च दूंगी। सूखा मिर्च आजकल हम बहुत कम खा रहे हैं, क्योंकि सूखा मिर्च अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, लेकिन पहले मैं बहुत सूखा मिर्च खाती थी। अब मेरे पेट में ना दर्द होता है खाने से, तो इसलिए फिर मैं नहीं खाती हूँ। और फिर मेरे को डांटते भी हैं ये सब खाने के लिए, कि बहुत बाहर का खाती हो, सूखा खाती हो, तो फिर इसलिए नहीं खाती मैं। और यहाँ पे देखो अभी जो है ना तेल बहुत गर्म था, और उसमें फिर मैंने ये केला जो है ये डाल दिया है। और फिर इसमें नमक हल्दी स्वाद अनुसार डाल दूंगी। बहुत लोग बोलते हैं बहुत हल्दी डाल देती हो तुम, यार आप लोगों को क्या लगता है कि पूरा ढक्कन भर के थोड़ी ना डालूंगी, जितना क्वांटिटी चाहिए उतना ही तो डालूंगी मैं। और कभी कभार हो जाता है, लेकिन आप लोग तो बार बार बोलते हैं।